हार्ड रॉक्स में व्हाइट कलर ज्यादा अच्छा है या फिर ब्लैक कलर ही ले लिया जाए, क्योंकि ब्लैक फॉरएवर लगता है। अभी बताता हूँ। तो ये है महिंद्रा थार एमएक्स रॉक्स का MX5 वेरिएंट, और MX5 वेरिएंट का ये ब्लैक कलर में इस प्रकार के जो क्लैडिंग लगी है वो फिलहाल ठीक ठाक सटल लग रहा है। वही चीज व्हाइट में रहता तो बहुत सारा डिफरेंस रहता। और वहीं पर दूसरे तरफ आ जाता है MX5 फेमस वेरिएंट, बट काउंटिंग टू दी व्हाइट। अब इसमें किसी भी प्रकार का, जैसे देख रहे होंगे, तो साइड क्लैडिंग नहीं रखा हुआ है, जिसके कारण गाड़ी थोड़ा सा बेहतर हो जा रहा है। क्यों बेहतर है उसको आराम से समझते हैं, क्योंकि ये वाला भाग थोड़ा सा अब अट्रैक्टिव लगता है। और इंटीरियर के भी टर्म पे क्या क्या चीज़ हैं जो मुझे एक सटीक लगता है वो आराम से एक बार समझते हैं। पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ब्लैक कलर। वहीं पर जैसे फ्रंट से शुरुआत करूँ तो ये सेम बॉडी कलर में ऑफकोर्स मिलता है इसका ग्रिल भी, तो ब्लैक कलर के साथ ब्लैक ही मिलेगा। सबसे बेहतर बात, रात को जब ये गाड़ी जलती है तो ये जो DRL प्रोजेक्शन है प्लस लाइट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फिलहाल आप इस वेरिएंट पे पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सनरूफ भी प्रोवाइड कराया गया है एंड ओवरऑल इज गुड। वही चीज़ अब नोटिसेबल पॉइंट है कि ये जो दिया हुआ है ये मैट फिनिश में ब्लैक कलर का, जिसमें ब्लैक कलर में कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं आता, वही चीज़ व्हाइट में आ जाता है। साइड क्लैडिंग लगवाई गई है ओनर के द्वारा, और जैसे मैं अंदर की तरफ जाऊं तो अंदर कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन पे वाइट और ब्लैक मिल जाता है। सीट में भी नोटिस करिएगा, ऊपरी भाग वाइट है और नीचे ब्लैक है। ये जल्दी गंदा होगा तो नोटिस करिए, अभी से इसकी शुरुआत ही हुई है तो ये ऐसा हो जा रहा है। इसी चीज़ को ध्यान करके अब इसमें क्या डिफरेंस रहा है मैं बताता हूँ। फिलहाल अगर मैं यहाँ हाथ रखा तो हाथ जहाँ रखने वाला जितना भी भाग है उसे ब्लैक कर दिया गया, बहुत ही स्मार्ट डिसीजन। और दूसरी बात, अगर विंडो खुलता है तो अपन हाथ रखते हैं यहाँ, तो इसे भी ब्लैक कर दिए, और ये वाले भाग को जो बीच देख रहे हैं ये वाइट कर दिए, जिसके कारण फ़ायदा ये हो जाता है कि किसी भी हाल पे हमें कोई भी दिक्कत की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़्यादा गंदा हो। अगर इसे पूरी तरीके से वाइट रखते तो बहुत ही गड़बड़ हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर पूरा गंदगी हो जाएगा। कैसा तो कुछ ऐसा, और ये कुछ ही दिन की बात मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में भी कितना गंदगी होने वाला है, इट्स बियॉन्ड द लिमिट। और पूरी तरीके से वाइट व्यवस्थित है यहाँ भी, ऊपर आपको सनरूफ दिया हुआ है छोटू सा, बट इस वेरिएंट के हिसाब से जो बजट दिया इट्स गुड। डिस्प्ले मिल जाता है आपको, नीचे पियानो ब्लैक के साथ क्रोम टच एक प्रीमियम ऑप्शंस मिलता है, विच इज ऑन द टॉप नॉच एंड द बेस्ट। अब एक बार इसका कंपेरेबल आउटर टर्म से वाइट में समझते हैं। वाइट वहीं पर पूरी तरीके से कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन आ जाता है। कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन का तात्पर्य यह कि व्हाइट और ब्लैक के कंपेयर पे अब एक अच्छा हो जाएगा। सिल्वरिश इनपुट यहाँ पर सामने मिल जाता है, DRL वैसे ही आपको चमकदार मिलेंगे, ऊपरी भाग वाइट, ग्रिल भी वाइट। पर वहीं पर जैसे साइड की तरफ मैं आऊँ तो साइड की तरफ मेन खेल चालू हो जाता है कि यहाँ आप नोटिस करिएगा कि ये ब्लैक है और उसके कंपेरेबल टर्म पे ये वाइट मिल जाता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट फील होता है, कैसा तो कॉम्बिनेशन में ये अच्छा सा हाईलाइटिंग देता है। और वहीं पर ये जैसा भाग आप देख रहे होंगे तो मिरर के साथ भी ब्लैक इनपुट जैसे साइड में हो गया तो ये खिलता है। मेन जो इस गाड़ी का सबसे पहला और बेस्ट प्रायोरिटी टर्म है वो है पीछे का भाग जो ब्लैक कलर में छुप जाता है। वहीं पर सेम एज इट इज़ बेस्ट पार्ट ये हो जाता है कि इस पे ब्लैक रखा गया है तो ये अच्छा रैंगलर टच देता है। अब रैंगलर टच बोलने का तात्पर्य ये नहीं कि वो बहुत ही महंगी गाड़ी है, डोंट कंपेयर दैट थिंग विद दिस। इतने कम रेट पे जो फीचर दे रहा है इट्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो फंक्शनैलिटी में फ़र्क होगा, सिर्फ लुक के कंपेयर पे रैंगलर वाले जो जीप के डिज़ाइनिंग मेकर है वो इसे कॉन्ट्रास्ट कलर जैसे रखने का उनका तात्पर्य ये था कि थोड़ा सा वो हाईलाइटिंग दिखे, और वही चीज़ वाइट में खेल रहा है। तो अगर आप ब्लैक लेते हैं वो चीज़ मिसिंग हो जाएगी, अदरवाइज इट्स लुक वेरी गुड एंड डिसेंट। जिसमें यहाँ भी देख रहे हो तो वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन थोड़ा प्यारा लगता है, और वहीं पर पीछे एक तरीके से शांत ना होके ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव टर्म हो जाता है। अब डोर ओपनिंग को यहाँ पर ब्लैक इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा भद्दा दिखता, क्योंकि ये दोनों अगर होता ये वाला और ये वाला थोड़ा सा अजीब लगता, बट यहाँ पर आपको वही सेम एज इट इज मिल जाएगा। ऊपर सनरूफ जो अभी मैं दिखा चुका था, और इसके अलावा सीट कंफर्टेबल, आराम से बहुत ही ज़्यादा स्पेस बढ़ने के बाद ये कंफर्टेबल ऑप्शन हो गया है। अब ये थार का जो ट्रेंड है वो रॉक्स के कंपेयर पे बहुत ही अच्छा डिसीजन मेकिंग हो गया। पहले फैमिली वालों के लिए अच्छा नहीं होता था, पर अब वही चीज़ बेहतर कर दिए। तो ये था एक कंपेरेबल टर्म ऑफ दिस ब्यूटिफुल थार रॉक्स, वाइट एंड ब्लैक कलर। आपको कितना बेहतर लगा कमेंट डाउन।